जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में शनिवार को आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में एक सैनिक की मौत हो गई है जबकि 4 अन्य सैनिक घायल हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को होने वाले मतदान से 3 सप्ताह पहले यह घटना हुई। अधिकारियों ने कहा कि शाम को पूंछ के सुरनकोट इलाके में सनाई टॉप की ओर जा रहे भारतीय वायुसेना के वाहनों पर 4 आतंकवादियों ने गोलीबारी की जिसमें 5 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर थी। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल सैनिकों में 1 के इलाज के बाद ही मौत हो गई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में शाह सितार के पास आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के वाहनों के काफिले पर हमला किया है। स्थानीय सैन्य इलाकों द्वारा फिलहाल घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। भारतीय वायुसेना ने एक्स पर एक पोस्ट डाला, काफिले को सुरक्षित कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। वायुसेना ने एक पोस्ट जारी कर कहा कि आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में वायु सैनिकों ने जवाबी गोलीबारी की। इस दौरान भारतीय वायुसेना के 5 कर्मियों को गोली लग गई है। उन्हें तत्काल चिकित्सा के लिए निकटतम सैन्य अस्पताल ले जाया गया। 1 वायु सैनिक ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। वहीं स्थानीय सुरक्षा बलों द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।